हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनम्स किड्स चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी आलमंड ऑयल और एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स बताऊंगी और उनका उसको वाइटनिंग के लिए क्या हमको वाइटनिंग करने के लिए एलोवेरा जेल और आलमंड ऑयल को मिक्स करके लगाना है। तो ये बच्चों के लिए है, ये वाइटनिंग स्किन के लिए। तो अभी हम इसके पहले बेनिफिट्स बता देती हूँ। एलोवेरा जेल, देखिए एलोवेरा जेल उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये हमारी स्किन जब रेड हो जाती है, हम लोग सनलाइट में उसको सनलाइट का रेस पड़ती है तो हमारी स्किन रेड हो जाती है। और ये बच्चों के लिए बहुत कॉमन जी घर में अवेलेबल होता है, हर जगह मिलता है ये और कॉमन रहता है बहुत। और आलमंड ऑयल के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आलमंड ऑयल अपने हेयर फॉल के लिए और हेयर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बच्चों के लिए ऑयल यही यूज़ करते हैं। बच्चों के लिए ये ऑयल बहुत स्मूथ बनाता है उनके बालों को। जैसे मेरे बाल पर भी मैंने ये ऑयल लगाया मेरे बालों में। तो एलोवेरा जेल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे। आप यूट्यूब पर चाहे तो चेक कर सकते हो। तो हम पहले लगाएंगे, पहले मैं अपने मेकअप करी हूँ, दिख रहा है आपको। तो मैं फेस वॉश करके आती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ फेस वॉश करके। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं मिक्स करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हमको एक कोई भी कटोरी ले लेना है और कोई भी प्लास्टिक का स्पून या फिर स्टील का स्पून चलेगा। और आप जिसमें आप बना रहे हो उसको, वो स्पून आप प्लीज़ स्पून और कटोरी को अलग रखना, अदरवाइज खाने में भी वो यूज़ होंगी। तो फिर अभी नहीं करना है। और अभी मैं लूँगी एलोवेरा जेल। पहले एलोवेरा जेल हमको लेना है, आपका फेस जितना बड़ा आप उतना ले लेना। मेरा मैं इतना ही लेती हूँ, आधे से भी कम लेती हूँ उतना। और अभी मैं डालूंगी इसमें आलमंड ऑयल डालूंगी अभी मैं इसमें। तो ये देखिए, मैं आलमंड ऑयल ले रही हूँ। अभी इसमें आधा आधा चम्मच लूँगी मैं। तो मैं अभी इसको लूँगी ऐसे, बस थोड़ा कम ही लेना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। मैं आलमंड ऑयल ले रही हूँ, देखिए। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको आपको रखना है, पहले मैं लगा देती हूँ फेस पे। इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। आपको इसको क्रीमी कंसिस्टेंसी का बना लेना है, अच्छे से मिक्स करना है इसको। और ये 5 to 15 इयर्स के बच्चों के लिए यूज होता है, अदरवाइज 4 इयर्स के बच्चों के लिए बच्चे रोते हैं और बोलते हैं कि मैं उनको इरिटेशन होता है। तो ये उनके लिए यूज़ होता है 5 to 15 इयर्स के बच्चों के लिए। इसको मिक्स करते रहना। आपको देखिए मेरी बन गया क्रीमी कंसिस्टेंसी का बन गया है। अभी मैं इसको फेस पे अप्लाई करूँगी। और ऐसा नहीं कि आपको इतना से दिख रहा है तो आप इसको फेस पे आपके नहीं आएगा, ये बिल्कुल आ जाएगा और एकदम वेट हो जाएगा। इसलिए आप कम कम लेना है सब चीज़ें, क्वान्टिटी में लगा लूंगी इसको। अगर आपने अभी मेकअप लगाया होगा तो मेकअप उतार के आपको इसको लगाना है। और आपके बालों का आपको बांध लेना है, क्योंकि पिनअप कर लेना है, क्योंकि फिर बाल बीच में आते हैं। और आपको अच्छे से हर जगह लगा लेना है, जहाँ जहाँ आपका आपको दिख रहा है सर कि मेरा वहाँ पे ब्लैक है, थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट्स आए हैं, ब्लैक डार्क सर्कल्स आए हैं। और बड़ों के लिए ये वाला क्रीम यूज होता है, तिब्बत क्रीम बस बड़ों के लिए यूज होता है, बच्चे बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए इसको। बच्चों के लिए मैं जो रेमेडी बता रही हूँ आप वो यूज़ कर सकते हो और घर में बहुत इजी तरीके से बना सकते हो, बहुत घर में सबके अवेलेबल है। मैं लगा लेती हूँ, जैसे इसको लगाना है सब मसाज करना है आपको लगाने के बाद 2-3 मिनट, 15 to 5 मिनट्स आपको इसको मसाज करना है। और आपको जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है कि एकदम काला है, एकदम ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स है, ब्लैक डार्क सर्कल्स आपको, तो आपको इसके आइज के ऊपर भी लगा सकते हैं आप इसको अपने। और बहुत वैसे व्हाइट कलर आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा फेस पैक के जैसा लगेगा। पर इसको आपको कब वॉश करना है, जब आप एक समझो मैंने आपको रात को लगाना है, सुबह लगाना है, दोपहर को लगाना है, जब आपको चाहे। पर इतना नहीं कि आपने अभी लगाया और अभी और बार लगा लिया, आपको इसको दिन में लगाना है और रात में लगाना है। चाहे तो आप दोपहर में भी लगा सकते हो, पर मैं दिन में और रात में दोनों दिन ये दो टाइम लगाती हूँ मैं। और रात को जब लगाती हूँ तो ये जो व्हाइट व्हाइट कलर दिख रहा है आपको, ये व्हाइट व्हाइट कलर
ये पूरा सोख लेते हैं व्हाइट कलर, पूरा अंदर चल जाते हैं, जिन्हें आपको पता चलता है कि अपनी स्किन को इतनी ज़रूरत है इसकी तो। और अभी देखिए आप, मैंने अभी मेकअप लगाया था तो बहुत जलन दे रही है ना, वो उसका पूरा केमिकल्स जो है वो निकाल लेता है। तो आपको उसको ऐसे लगाना है, उसको आपको समझो रात में लगाया था, आपको इसको अगले दिन धोना है सुबह उठ के, ब्रश वश करके आपको धोना है इसको। तो मैं जब धोती हूँ तो मेरा फेस मुझे इतना क्लीन दिखता है, और मम्मा भी बोलती है बहुत क्लीन दिख रहा है। तो मैंने इतने दिन से लगाना छोड़ दिया था, और मेरी हर नई वीडियो आती है सैटरडे को, हर सैटरडे को मेरी नई वीडियो आती है। मैंने सैटरडे को मेकअप की वीडियो डाली थी, अब इसको मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी, और इसको मैं अभी मसाज करके बताऊँगी। अभी मैं इसको एक घंटा ऐसे ही रखूँगी, तो मैं आपको एक घंटे के बाद मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए 1 आवर हो गया है, मैं वॉश करके आ गई हूँ, मेरा फेस मुझे बहुत क्लीन दिख रहा है। और एक बात बताना भूल गई हूँ, आपको इसको नॉर्मल वाटर से नहीं धोना है, लिटिल वार्म वाटर से धोना है, नहीं इतना भी गर्म पानी नहीं, थोड़ा कुनकुना पानी से धोना है, और इसको फेस वॉश से धोना है आपको, कुनकुना पानी में आपको इसे धोना है और फेस वॉश से धोना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको अभी ये बताना था, अब इसमें थोड़ा सा बच्चा ही है, वो मैं बाद में लगा लूँगी जो बच्चा है, या फिर मम्मा या फिर कोई भी लगा लेंगे इसको। तो ये एक्चुअली बॉयज़ के लिए भी यूज़ का होता है, ये बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और आप मेरी मेकअप की वीडियो ज़रूर देखना, उसको भी लाइक करना, इसको भी लाइक करना, शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब का बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको नीचे सब्सक्रिप्शन में दिख जाएगा कि मेरी एक नोटिफिकेशन आई है, मेरी नई वीडियो आई है। तो आप प्लीज़ देखना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना। तो ये था मेरा आज का वीडियो, बाय गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।